नमस्कार, स्वागत है आपका जीबीएन 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सानिया। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ फटाफट खबरों। पश्चिम बंगाल में 7 जगहों पर सीबीआई की रेड, एसएससी शिक्षक भर्ती मामले में कार्रवाई। उत्तरकाशी टनल से रेस्क्यू किए गए सभी 41 मजदूर, ऋषिकेश एम्स में हुए डिस्चार्ज। मेरठ से लखनऊ और प्रयागराज के लिए जल्द शुरू होगी रेल सेवा, कहा अश्विनी वैष्णव। हमीरपुर में एसपी ऑफिस के सामने से बच्ची का अपहरण करने वाला पुलिस मुठभेड़ में हुआ घायल। गुजरात में मिथाइल अल्कोहल मिला सिरप पीने से 5 की मौत, 2 अस्पताल में हुए भर्ती। केजरीवाल के समर्थन में आप चलाएगी अभियान, दिल्ली के 2600 पोलिंग स्टेशन पर करेगी जनसंवाद। तेलंगाना में दोपहर 1 बजे तक 36.68% मतदान, सीएम केसीआर ने सपरिवार डाला वोट। निखिल गुप्ता मामले में भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के आरोपों को चिंताजनक बताया। तेलंगाना चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन मामले में बीआरएस एमएलसी के कविता के खिलाफ एफआईआर। दिल्ली सरकार शिक्षक संघ ने डीए की बढ़ोतरी में देरी पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना को लिखा पत्र। अभी के लिए बस इतना ही, ऐसी देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जीवन 24 न्यूज।